हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर एक्सप्लेनेशन। इस चैप्टर का इससे जो चैप्टर से आपका रिलेशन है, सेवन क्लास में आपने मोशन और डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, तो उसी मोशन को कोरिलेट करके आगे फोर्स और प्रेशर के बारे में बताया गया है। तो स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो आपने सेवन क्लास में किया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो कैसे आप पता लगाएंगे कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्टर मूव कर रहा है, तो वो आप कैसे पता लगाएंगे। तो हम कैसे पता लगाते हैं, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन कैसे करते हैं, स्पीड में कंपैरिजन, कि किस ऑब्जेक्ट ने टाइम कम लगाया है किसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी जिसने टाइम कम लगाया है, और जिसने टाइम ज़्यादा लगाया होगा उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो चलना शुरू करेगा तो उसको चलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी। जैसे मान लें एक बॉल पड़ी हुई है, अगर बॉल को हमें मूव करवाना है, मोशन में लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, बॉल के ऊपर क्या करेंगे, पुश करेंगे, ठीक है, बॉल को मतलब एक तरह से हम हिट करेंगे, बैट से हिट करें या किसी और चीज़ से, पैर से किक कर दें हम, तो उससे क्या आ जाएगी, वो बॉल मोशन में आ जाएगी। तो जो मोशन है वो किस वजह से होता है, फोर्स की वजह से। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको मोशन में लेके आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि आपको साइकिल चलानी है तो आपको पैडल मारने पड़ेंगे, तो पैडल पे आप क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स की वजह से क्या होगी, साइकिल चलेगी। इसके अलावा आपको जैसे कि डोर को खोलना है या बंद करना है, या ड्रॉर खोलना है, आपको अलमीरा खोलना है, हर जगह पे भी आप क्या करते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए आप क्या अप्लाई करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो। जैसे गाड़ी को चलाना हमने, तो गाड़ी में भी क्या है, उसमें पेट्रोल होगा, ठीक है, इंजन का यूज़ होगा, फोर्स लगेगा इंजन के थ्रू गाड़ी के ऊपर, तो गाड़ी क्या होगी हमारी, चलेगी। ब्रेक अप्लाई करेंगे तो गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, वहाँ पे भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो इस चैप्टर में हमें फोर्स के बारे में पढ़ना है। तो फोर्स की वजह से क्या होगा, किसी ऑब्जेक्ट को हम चला भी सकते हैं और चलते हुए ऑब्जेक्ट को हम रोक भी सकते हैं। तो डेली जो हमारी लाइफ से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो देखिए, फर्स्ट में आपको क्या नज़र आ रहा है, एक गोल कीपर है जो कि क्या कर रहा है, अपने गोल को सेव कर रहा है, दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ पर गोल कीपर क्या है, गोल को सेव करने की कोशिश में है। तो यहाँ पे भी उसने क्या किया है, उसने फोर्स लगाया है बॉल को रोकने के लिए, फुटबॉल या जो भी है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे चेक कीजिए आप, एक हॉकी का प्लेयर है, हॉकी का प्लेयर क्या कर रहा है, किक कर रहा है उसको बॉल को, तो किक करने के लिए उसने भी क्या किया, फोर्स लगाया है। तीसरा आप यहाँ पे देखिए, एक बैट्समैन जो फील्डर है, बैट्समैन ने बैट को हिट, जो बॉल को हिट करने के बाद फील्डर ने क्या किया है, बॉल को स्टॉप कर दिया है। तो यहाँ पे हर कंडीशन के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है, फोर्स किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे तो पुल की फॉर्म में या पुश की फॉर्म में या किकिंग की फॉर्म में या हिटिंग की फॉर्म में या लिफ्टिंग की फॉर्म में, हर प्लेस पे आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे फोर्स। तो अभी हम देखेंगे यहाँ से कि फोर्स की डेफिनेशन क्या है। तो फोर्स क्या है, कोई भी एक्शन जैसे कि पिकिंग करना किसी ऑब्जेक्ट को, ओपन करना, शट करना, क्लोज करना, किक करना, हिट करना, लिफ्ट मतलब उठाना, फ्लिक करना, पुश करना, धक्का देना, या फिर पुल करना, खींचना, हर जगह पे कोई ना कोई टास्क हम करते हैं किसी की ना किसी टास्क को करने के लिए, ये सारे एक्टिविटीज़ हम करते हैं, ये सारे एक्शंस हम करते हैं, और ये सारे एक्शन से क्या होगा, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हमारा, जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम ये एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो अपनी स्टेट चेंज कर देगा। स्टेट चेंज करने का मतलब क्या है, चाहे तो वो मोशन में आ जाएगा या फिर चल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। मोशन किसको बोलते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस को चेंज कर ले, अपनी पोजीशन को चेंज कर ले, उसको क्या बोला जाएगा, मोशन। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्टेड बोलते हैं। नेक्स्ट चेक कीजिए आगे, ये जो एक्टिविटी है इसमें आपको यही बताया गया है कि क्या क्या, किसको पुश किया गया है, किस में पुलिंग की गई है, कौन कौन से जो एक्शंस हैं यहाँ पे परफॉर्म किए गए हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी काम को करने के लिए। जैसे फर्स्ट है आपको मूविंग ए बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, एक टेबल के ऊपर बुक रखी है, आपको उसको मूव करवाना है, तो आप क्या क्या कर सकते हो, पुश भी कर सकते हो, उसको पुल भी कर सकते हो, खींच भी सकते हो, धक्का भी सकते हो, उसको उठा भी सकते हो, ठीक है। तो पुश भी किया आपने यहाँ पे, पुल भी किया है। तो इसी तरह से जैसे कि ओपनिंग और शटिंग अ डोर, डोर को शट और ओपन करना है, तो आप पुश भी कर सकते हो और पुल भी कर सकते हो, ठीक है, किक भी कर सकते हो, ठीक है, धक्का दे सकते हो उसको, वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से पुश और पुल के बारे में आपको यहाँ पे फिल करना है, तो आप इसको कर लेंगे फिल एक्टिविटी को,
तो सर हर जगह पे आपको यही बताना है कौन कौन सी एक्शन परफॉर्म किए गए हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रेस्ट या मोशन में लाने के लिए। यहाँ से आप देखिए डेफिनेशन फोर्स की, फोर्स की डेफिनेशन क्या है, पुश साइंस के अंदर अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या किया जाए, पुल किया जाए, खींचा उसको धक्का दिया जाए, पुश किया जाए या फिर उसको खींच लिया जाए, पुल कर लिया जाए या पुश कर दिया जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। जब अब थोड़ा स्टैंडर्ड आपका हाई हो जाएगा 9th क्लास में तो आपको बताया जाएगा कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश और पुल किया जाए और वो ऑब्जेक्ट अपनी क्या करे, डायरेक्शन चेंज करे या स्टेट चेंज करे, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से बताया गया है फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। फोर्स लगता किस वजह से है, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट में होते हैं, टच करते हैं एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को, तभी उनके ऊपर क्या लगना शुरू हो जाएगा, फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे इस एक्टिविटी के अंदर अ मैन स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, एक स्टेशनरी कार है और एक आदमी उसके पीछे खड़ा है, तो क्या खड़ा रहने से वो गाड़ी चल पड़ेगी, अगर मान लिया गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो क्या वो गाड़ी चलना शुरू कर देगी अपने आप से, नहीं, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं है, इनके बीच में इंटरेक्शन नहीं है। नेक्स्ट एक्टिविटी में देखिए पीछे से क्या किया जा रहा है, उस मैन के द्वारा धक्का लगाया जा रहा है, यहाँ पे पुश किया जा रहा है गाड़ी को, तो गाड़ी क्या हो जाएगी, धीरे से चलना शुरू कर देगी, क्योंकि वहाँ पे उसने पर्सन ने क्या लगाया है, फोर्स लगाया है। और गाड़ी कब चलेगी, जब इसका फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में, गाड़ी के कंपैरिजन में, जब ये इस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा लगाएगा और गाड़ी इसकी तरफ फोर्स कम लगाएगी, तभी गाड़ी क्या करेगी, चलना शुरू कर देगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, तो अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है और किस डायरेक्शन में मूवमेंट हुई है। इससे पहले ये एक्टिविटी देखिए, हु इज पुशिंग हुम, एक दोनों ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी गेमिंग है इनका, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये पुश कर रहे हैं, तो दोनों ही यहाँ पे देखिए दोनों ही गर्ल्स क्या कर रही है, एक दूसरे को पुश कर रही हैं। ठीक है, जब तक ये सेम फोर्स लगाएंगी दोनों की तरफ से बैलेंस होता रहेगा फोर्स का, लेकिन अगर एक ने ज़्यादा अमाउंट में फोर्स लगाया यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो गया, तब क्या हो जाएगी, दूसरी लड़की गिरने के चांस उसके बढ़ जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हु इज़ पुलिंग हुम, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, ये इसको इस तरफ पुल कर रहे हैं और ये इसको इस तरफ पुल कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या है, कौन पुल कर रहा है, कौन पुश कर रहा है, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, दोनों ही गर्ल्स क्या कर रही हैं, एक दूसरे को पुल कर रही हैं, खींच रही हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में देखिए ए जो ये आपको दिखाया गया है, जो बुल है और जो मैन है, उनमें से कौन किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, दोनों ही दूसरे एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। मैन क्या कर रहा है, रस्से से खींच रहा है इसको बुल को, और बुल क्या कर रहा है, इसको वापस अपनी तरफ खींच रहा है, तो दोनों ही डायरेक्शन में क्या लगा हुआ है, फोर्स लगाया हुआ है। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या है कि फोर्स कब लगता है, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से क्या आते हैं, इंटरेक्शन में आते, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तभी हमारा क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे बोल दिया गया है इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर या अदर ऑब्जेक्ट इज इन फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के इंटरेक्शन में आएंगे तभी उनके बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। नेक्स्ट देखिए एक्सप्लोरिंग फोर्स। एक्सप्लोरिंग फोर्स में क्या बताया गया है कि जो हमारा फोर्स है वो टोटल जो होगा वो किसके डिपेंड करेगा, कितनी अमाउंट ऑफ फोर्स लगी है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बताया गया फर्स्ट एक्टिविटी के अंदर दो फ्रेंड है वो क्या कर रहे हैं, एक बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है दोनों के द्वारा क्या लग रहा है, सेम डायरेक्शन में लग रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो जो हमारा ओवरऑल जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फोर्स के डिफरेंस के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे तो दोनों का फोर्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे दोनों का फोर्स, क्योंकि दोनों का फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, और यहाँ पे दोनों का फोर्स क्या हो जाएगा, डिफरेंस चेक किया जाएगा। अब ये जो ब्लॉक है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा वो डिपेंड करेगा कहाँ से फोर्स ज़्यादा लग रहा है। अगर मान लिया इस ए पर्सन ने, इसको हमने ए मान लिया है, इसको हमने बी मान लिया है, अगर ए पर्सन ज़्यादा फोर्स लगा रहा है तो ए की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा ये, और अगर बी ने ज़्यादा फोर्स लगाया है तो बी की डायरेक्शन में मूव करेगा ये। नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पे, रोप में एक टग ऑफ वॉर गेम है, इसके अंदर क्या होता है, रस्से को खींचा जाता है। स्टार्टिंग में आप देखते हैं जब रस्से को खींचा जाता है तो दोनों की क्या हो रही, दोनों के दोनों में क्या होता है, यहाँ पे एक दूसरे को स्टार्टिंग में खींचते हैं तो कुछ टाइम के लिए तो रस्सी मूव नहीं करती है, लेकिन जैसे ही एक
तरफ से फोर्स ज़्यादा लगाया जाता है, उसी टाइम पे क्या होगा, मूवमेंट शुरू हो जाएगी रस्सी की। तो यहाँ पे जब तक इक्वल फोर्स लगेगा दोनों डायरेक्शन में, तब तक क्या होगा, रस्सी मूव नहीं करेगी। तो यहाँ पे बोला गया लास्ट में, फोर्स जब अप्लाइड किए जाते हैं ऑब्जेक्ट पे, अगर एक ही डायरेक्शन में किए जाते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं, और जब वो अलग अलग डायरेक्शन में किए जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में किए जाते हैं, तो नेट फोर्स क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, दोनों फोर्सेस के बीच का डिफरेंस। अगर एक जगह से ज़्यादा फोर्स लगाया जा रहा है तो दूसरी जगह से अगर कम फोर्स लगाया जा रहा है तो मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स क्या लगाया गया है, ज़्यादा लगाया गया है। अब देखिए यहाँ से स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हम। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, कितनी स्ट्रेंथ का आपने फोर्स लगाया है उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मतलब कितना ज़्यादा आपने जोर लगाया है, कितनी ज़्यादा आपने फोर्स लगाई है उसको क्या बोला जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। जैसे कि मान लिया, वैसे हम फोर्स को मापते हैं न्यूटन के अंदर, एक पर्सन ने लगाया है 5 न्यूटन का और दूसरे पर्सन ने लगाया है 7 न्यूटन का, तो जिसने फोर्स ज़्यादा अमाउंट में अप्लाई किया है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, कितनी ज़ोर से फोर्स लगाया गया है, जितनी ज़्यादा ज़ोर से फोर्स लगाया जाएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा। नेक्स्ट देखिए, पहली यहाँ पे क्या क्वेश्चन कर रही है, डज इट मीन डैट द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ जीरो इफ़ द टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट अपोजिट डायरेक्शन आर इक्वल। अगर मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है उसको दोनों तरफ से सेम अमाउंट में फोर्स लगाया जा रहा है, जैसे मान लिया हमने एक ब्लॉक लिया है, एक साइड से यहाँ से फोर्स लग रहा है, एक साइड से यहाँ से फोर्स लग रहा है, अगर दोनों ही साइड से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है तो क्या ये ब्लॉक या बॉक्स मूव करेगा, नहीं मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा दोनों का क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। एक तरफ से 5 लगा है, दूसरी तरफ से भी 5 लगा है, तो नेट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और अगर एक किसी भी साइड से अगर एक साइड से फोर्स ज़्यादा लग जाए तो वहाँ पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो नहीं होगा, फिर वो डिपेंड करेगा कितना फोर्स है। जैसे मान लिया यहाँ से लगाया गया है, एक दूसरा बॉक्स बना देते हैं, यहाँ से लगाया गया है 6 न्यूटन, यहाँ से लगाया गया है 5 न्यूटन, तो जो ओवरऑल फोर्स है वो क्या होगा, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में लगा है तो 1 न्यूटन आ जाएगा ओवरऑल फोर्स। तो जो ब्लॉक है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में, जिस साइड से उसके ऊपर फोर्स क्या लगाया गया है, ज़्यादा लगाया गया है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इन जनरल मोर देन वन फोर्स मे बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, हाउएवर द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कई जगह से फोर्स लगाया गया है, कई ऑब्जेक्ट्स के थ्रू फोर्स लगाया गया है, तो जो नेट फोर्स होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कितना इफेक्ट आया है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। यहाँ पे हम अभी बात करेंगे कि फोर्स की वजह से क्या क्या हमारे इफेक्ट हो सकते हैं, फोर्स के इफेक्ट देखेंगे हम। फर्स्ट इफेक्ट है यहाँ पे, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको मोशन में लेके आ सकते हैं। जैसे मान लिया एक बॉल है हमारे पास, बॉल को हमने हिट किया तो बॉल क्या आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी, तो फोर्स की वजह से क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट को मोशन में लाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, अ बॉल एट द रेस्ट बिगिन टू मूव व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। एक बॉल रेस्ट में है, अगर उसके ऊपर फोर्स लगाया गया तो बॉल क्या करना शुरू कर देगी, मूव करना शुरू कर देगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, कई सारी ऐसी सिचुएशन है जो डेली लाइफ में हम, जहाँ पे फोर्स के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके आते हैं, जैसे कि पेनल्टी किक इन अ फुटबॉल, या फिर प्लेयर अप्लाइड अ फोर्स ऑन द बॉल, बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया है, या फिर बॉल को हिट किया गया है, या फिर बॉल रेस्ट में है उसको हिट किया गया, तो उसकी क्या हो गया, उसका जो मोशन है वो हो गया है, रेस्ट में थी वो। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे डेली ऐसी सिचुएशंस हैं, डेली ऐसी लाइफ के ऐसी एक्टिविटीज़ हैं हमारी, जहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को जीरो स्पीड से क्या लेके आते हैं, हाई स्पीड में लेके आएंगे, या उसकी स्पीड को हम फोर्स के थ्रू क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। यहाँ से देखिए, द फोर्स
अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट मे चेंज इट्स स्पीड. फोर्स अप्लाई करने से क्या हो सकती है, स्पीड चेंज हो सकती है. इफ़ द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इन डायरेक्शन ऑफ द मोशन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज. जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या है मोशन में था, अगर उसी डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगा दिया जाए तो उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. अगर उल्टा किया जाए, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा है और उससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाए तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. जैसे कि बॉल है, बॉल अगर चल रही है तो उसको हिट किया जाए तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. लेकिन अगर बॉल को क्या कर दिया जाए, उस पर फोर्स लगा दिया जाए, उसको रोकने की कोशिश की जाए, या फिर जो भी प्लेयर है उसको रोकने की कोशिश करेगा, तब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो वो डिपेंड करेगा कि किस डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है. जिस डायरेक्शन में चल रही है अगर उसी में लग रहा है तो फोर्स का इफेक्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, स्पीड बढ़ जाएगी, नहीं तो उसके अपोजिट हो जाएगा. यहाँ पे आई हैव सीन चिल्ड्रन कम्प्लीटिंग विद वन अनदर इन मूविंग ए रबर टायर और अ रिंग बाय पुशिंग इट. इट नाउ अंडरस्टैंड विद द स्पीड ऑफ टायर इंक्रीजेज वेन एवर इट इज पुश्ड. तो आपने किया भी होगा, इस गेम के अंदर क्या होता है, एक टायर को क्या किया गया है, मूव करवाया जा रहा है यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बार बार उसको क्या किया जा रहा है, यहाँ पे पुश किया जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है. कोई भी दो बच्चों में इस तरह से हम कंपटीशन भी करवा सकते हैं, जो जितना ज़्यादा पुश करेगा उसको उतनी ही क्या होगी, स्पीड यहाँ पे बढ़ जाएगी. तो फोर्स का इफेक्ट हमने क्या ही किया यहाँ पे, कि फोर्स अप्लाई करने से हम क्या कर सकते हैं, स्पीड की, ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और स्पीड को हम क्या कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फोर्स लगा के हम किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं. डायरेक्शन को देखिए कैसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल आफ्टर इट स्ट्राइक द रूलर प्लेस्ड इन इट्स पाथ. अगर हमने एक रूलर रख दिया है किसी के रास्ते में, बॉल के रास्ते में, तो रूलर से टकराएगी तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना यहाँ पे, तो फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन में चेंज ला सकते हैं. जैसे कि फोर्स एप्लीकेशन से क्या किया जा सकता है, डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है. जैसे कि आप डेली लाइफ से एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि आप बैट बॉल खेलते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, आप बैट के ऊपर, बैट से बॉल को हिट करेंगे तो बॉल की क्या हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी. तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल हैं जो आप अपने डेली लाइफ से कोरिलेट कर सकते हैं. लास्ट में देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज किया जा सकता है, या फिर चेंज स्टेट चेंज भी कर सकते हैं और हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं. तो लास्ट में आपको बता दिया गया है फोर्स की वजह से हम क्या कर सकते हैं, चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, मोशन की जो स्टेट है ऑब्जेक्ट की उसकी स्टेट को चेंज किया जा सकता है. द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब बाई इट्स स्पीड एंड इट डायरेक्शन ऑफ द मोशन. द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर एट द स्टेट ऑफ जीरो. रेस्ट का मतलब क्या है, कि ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, जीरो है, ठीक है. जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो उसकी स्पीड को क्या मान लिया जाता है, जीरो. नेक्स्ट देखिए फोर्स का क्या इफेक्ट होगा, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. फोर्स की वजह से शेप को चेंज किया जा सकता है. यहाँ पे देखिए कुछ एक एक्टिविटीज दिखा रखी हैं आपको, जैसे कि डफ प्रिपेयर करते हैं, तो आपने देखा भी होगा अपनी मम्मी को डफ प्रिपेयर करते हुए, तब क्या होते हैं, शेप चेंज हो जाएगी. और दूसरा, जब इससे रोटियां बनाई जाती हैं तो रोटी बनाते वक्त भी क्या होता है, फोर्स ही अप्लाई करते हैं हम और उससे भी क्या हो जाती है, शेप चेंज हो जाएगी. जब हम बैठते हैं बाईसाइकिल की सीट के ऊपर तो उसकी भी क्या होगी, जो स्प्रिंग फिक्स होते हैं उसके अंदर, उनके ऊपर फोर्स लगता है और उनकी भी शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. जैसे कि रबड़ बैंड है, आप रबड़ बैंड को क्या करते हो, पुश करते हो, तो उससे भी क्या हो जाती है, शेप चेंज हो जाएगी. या फिर एक प्लास्टिक का आपके पास मेटल का स्केल है, आपको दो ब्रिक्स के बीच में रखना है उसको और उसके ऊपर आपको कोई फोर्स रखना है, तो उसकी भी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. तो इतने आपके डेली लाइफ में इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, शेप को चेंज कर सकते हैं. जैसे कि बलून है आपके पास, बलून में क्या किया आपने, एयर फिल कर दी, बलून फूल गया तो क्या होगी, उसकी भी शेप चेंज हो गई. या फिर बलून को आपने ब्रस्ट कर दिया, फूटने के बाद भी क्या हो जाएगी, उसकी शेप चेंज हो जाएगी. तो आपने किया ही क्या, फोर्स ही लगाया उसके ऊपर, तो फोर्स से क्या हो सकता है, शेप चेंज हो सकती है. तो लास्ट में आपको देखिए यहाँ पे जो भी हमने एक्टिविटीज़ की है उनका कंक्लूजन बता दिया गया है. फोर्स में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, और रेस्ट से ऑब्जेक्ट को क्या किया जा सकता है, मूवमेंट करवाई जा सकती है फोर्स अप्लाई करने के बाद. फोर्स में चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स मूविंग, स्पीड चेंज की जा सकती है.
डायरेक्शन चेंज की जा सकती है, ऑब्जेक्ट की शेप चेंज की जा सकती है, किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। जितने भी इफेक्ट हैं, जो भी हमने अभी जितनी भी एक्टिविटीज़ की हैं, वो सारे किसकी वजह से थे, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की वजह से। जैसे कि आप लिख पाते हैं या चल पाते हैं, चलते चलते कई बार क्या हो जाता है, हम थक जाते हैं चलते वक्त, क्यों होता है उस टाइम पे, क्योंकि हमारी बॉडी के ऊपर भी क्या लगता है, फोर्स लगता है, हवा का फोर्स लगता है, ज़मीन से फोर्स लगता है। तो ये सारा क्या है, हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ जहाँ पे हम बहुत सारे फोर्स के कंटेक्ट में आते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आगे बताया गया है कि जो फोर्स है वो दो टाइप का होता है, एक है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक है आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होगा, ये फोर्स तभी लगेगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब वो एक दूसरे के साथ क्या आएंगे, कॉन्टैक्ट में आएंगे, संपर्क में आएंगे, तभी लगेगा। तो जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स जैसे कि आपको बुक उठानी है या पेन से आपको लिखना है या बकेट आपको उठानी है, यहाँ पे हर टाइम पे क्या करना पड़ेगा, आपकी मसल्स को फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये फोर्स कौन सा है, मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट देख लीजिए आप, यहाँ पे मस्कुलर फोर्स की जो डेफिनेशन है वो भी बता दी गई है और एग्जांपल भी दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको बकेट पानी का आपको उठानी है या फिर कुएं से आपको पानी निकालना है या फिर आपको पीस ऑफ रॉक को आपको खींचना है या फिर आपको क्या करना है, स्कूल बैग को अपने कंधों पे रखना है, पुश करना है। तो जितने भी सारे एक्शंस हैं वो सब किसकी वजह से परफॉर्म होते हैं, आपकी मसल्स की वजह से। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। जो फोर्स किसकी वजह से लगता है, हमारी मसल्स की एक्शन की वजह से, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स। तो ये सारा हमारा मस्कुलर फोर्स का डेफिनेशन है। नेक्स्ट है एनिमल से जो हम काम करवाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है जो बैलगाड़ी है उससे क्या किया जा रहा है, बैल्स की उससे हेल्प से काम करवाया जा रहा है, तो वो भी किस वजह से होगा, उनके मस्कुलर फोर्स की वजह से। जितने भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे जो हॉर्सेस करते हैं, डोंकी करते हैं, कैमल्स या बुलॉक्स, जितने भी एक टास्क वो परफॉर्म करते हैं, वो सारे किसकी वजह से परफॉर्म करवाते हैं, उनकी मस्कुलर फोर्स की वजह से। नेक्स्ट, ये कैसा फोर्स है मस्कुलर फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। क्यों बोलते हैं इसको कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि इसमें मसल्स क्या करती हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करना है उसके कॉन्टैक्ट में रहती हैं, तो इस वजह से ये क्या है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। दूसरा आपका मस्कुलर फोर्स के अलावा कौन सा आपका कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स करता क्या है, पहले सुन लीजिए इसके बारे में, ये किसी ऑब्जेक्ट की, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसको क्या करता है, उसको स्टेट ऑफ रेस्ट में लाने की कोशिश करता है, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम कर देगा और स्पीड करने के बाद वो ऑब्जेक्ट किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो फ्रिक्शन से हम क्या कर सकते हैं, स्टेट को चेंज कर सकते हैं और जो ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे किस स्टेट में आ जाएगा, रेस्ट स्टेट के अंदर आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के अंदर, जैसे मान लिया आपने एक बॉल को फेंक दिया है, धीरे धीरे वो बॉल कुछ टाइम के लिए चलेगी, धीरे धीरे स्पीड कम होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो बॉल है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो क्या वजह हुई उस बॉल को रोकने की, किसने उसके ऊपर फोर्स लगाया कि जो बॉल रुक गई है, जब वो बॉल हवा में थी तब हवा ने फोर्स लगाया, उसकी स्पीड को कुछ कम कर दिया, जब वो ज़मीन पे आई तो ज़मीन ने उसके ऊपर फोर्स लगाया। तो जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करता है, उसकी स्पीड को कम करता है, और जो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, जैसे और एग्जांपल देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, जब आप साइकिल चलाते हैं, जब तक आप पैडल लगा रहे हैं तब तक तो क्या होगा, साइकिल चलती रहेगी, जैसे ही आपने पैडलिंग स्टॉप की तो क्या होगी, साइकिल रुक जाएगी। क्यों रुकेगी साइकिल, ऐसा क्या हुआ कि साइकिल हमारी रुक गई है, जो ज़मीन है और जो टायर है उनके बीच में क्या लग जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा। मान लिया ये आपकी साइकिल आगे की तरफ मूव कर रही है तो यहाँ पे चल रही है, फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा और धीरे धीरे उसको क्या कर देगा, रेस्ट में लेके आ जाएगा। नेक्स्ट है कार स्कूटर ऑल्सो कम टू रेस्ट वंस इट इंजन इज स्विच ऑफ। जब इंजन को स्विच ऑफ कर दिया जाता है तो कार स्कूटर भी क्या जाते हैं, रेस्ट में आ जाते हैं। ये भी किस वजह से है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से है। जैसे कि हम चलते हैं, चलते चलते हम भी थक जाते हैं, क्यों थक जाते हैं, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, हमारे शूज़ वगैरह फट जाते हैं, ये सारा क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। तो देखिए यहाँ से डेफिनेशन, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑल ऑब्जेक्ट
इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, जितने मतलब जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है चेंज करने के लिए स्टेट ऑफ मोशन किसकी ऑब्जेक्ट की, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। जैसे कि एग्जाम्पल हमने ले ही लिए हैं यहाँ पे, अगर बोर्ड के चप्पू को मारना शुरू किया आपने तो क्या होगा, वो चलना शुरू कर देगी, आपने उसको चलाना बंद किया तो बोर्ड क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। तो ये भी क्या आपका फ्रिक्शन फोर्स ही है, पानी के अंदर जो फ्रिक्शन लग रहा है आपको वो रोक देगा, बोट को चलने ही नहीं देगा वो आगे। और एग्जाम्पल ये आपका किस तरह का फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में और प्रेशर के बारे में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे हम आगे।